अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो खुद का कंटेंट छोड़ के दूसरों के कंटेंट पे, दूसरों के चैनल पे, दूसरों के कंटेंट पे कंटेंट बनाते हैं अपना, कि इसका डाउनफॉल, हाइड्रा का डाउनफॉल, ये डाउनफॉल, वो डाउनफॉल, एंड देन फिर वो उस पर कॉन्टेंट बना रहे हैं। एंड उनसे बड़े महा चूते ऐसे लोग हैं जो उस बने हुए कॉन्टेंट पे अपना रिएक्शन देते हैं। खुद के पास कोई कॉन्टेंट बचा नहीं है, खुद के पास कुछ चीजें बची नहीं है, तो यू नो इन सब चीजों पर बढ़ रहे हैं। तो आई मीन थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये थोड़ी सी माइंड सेट जो है, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, लाइक लो लेवल का माइंड सेट है, कि अगर आप किसी के डाउनफॉल पे या किसी के लो सेगमेंट्स पे वीडियो बना रहे हो, दैट्स जस्ट अ बुलशिट माइंड सेट। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको डाउनफॉल काउंट करना ही है तो आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड सजेस्ट कि डाउनफॉल हर तरीके से फिर काउंट करो। सब्सक्राइबर बेस पे काउंट करो, टोटल व्यूज पे काउंट करो, ट्रेंडिंग पे काउंट करो, ठीक है, उसके बाद आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में उस पे काउंट करो। आप जब मार्केट में उतरते हो तो आपकी कितनी ब्रांड वैल्यू है, कितने ब्रांड्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, कितने ब्रांड से आप कितना पैसा चार्ज करते हो, ठीक है, आपने अब तक लाइफ में क्या उखाड़ा है, आपकी आपने क्या किया है, आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है, कितनी आपकी नेटवर्थ है, जब आप गूगल पे डालते हो तो क्या आपकी नेटवर्थ आती है, जब आप रास्ते पे निकलते हो तो कितने लोग आपको पहचानते हैं, है ना। तो आई थिंक इन सब चीजों पे भी आपको काउंट करना चाहिए जब आप वीडियो बनाते हो। तो आई मीन दिस वॉज जस्ट अ जेन्युइन रिएक्शन एंड जेन्युइन स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड। मैं चाहता तो बहुत उल्टी सीधी चीजें बोल सकता था, बट मैं बस एक स्ट्रेट पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि 2018 का माइंड सेट लेके छोड़ दो, वो सब हटा दो, अभी अलग माइंड सेट चल रहा है, लोग बहुत इवॉल्व हो चुके हैं अपने लाइफ में, तो उस हिसाब से जरा सोचो। लेक्चर तो सही है, मतलब लेक्चर उन्हीं लोग को लगता है जिनकी गांड में गुदा नहीं होता कुछ करने का, वो बस ऐसे ही बवासीर मचाते रहता है। अभी हमारे जो हमारे में गुदा था, हमने कर लिया, हमने बना लिया जितना बना सकते थे अपना, बाकी अपन सॉर्टेड है भाई, अपना कोई टेंशन नहीं है। होपफुली अगर आप कभी फ्यूचर में दोबारा ऐसी अगर बातचीत करोगे या किसी को करते हुए देखोगे या कभी ऐसे वीडियोस देखोगे जो डाउनफॉल पे बेस्ड है एंड कुछ चूते उनके ऊपर भी रिएक्शन देते रहते हैं, वो खुद का डाउनफॉल या खुद की चीज़ें भूल जाते हैं कि हम जिसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं वो बंदे की औकात किधर है, हम किधर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, हमारा क्या है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, हमारी क्या है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें अगर वो इमेजिन करेंगे तो उनको आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। मज़ा बहुत आता है ऐसे कॉन्टेंट पे रिएक्शन देने में, खुद के लोगों के, खुद के अपने 10-20 लोग लेके बैठ जाओ और थोड़ा सा रिएक्शन देते रहो। बट लेकिन वो ये भूल जाते कि जब मार्केट में मैं खड़ा हूँ, मतलब जो बंदा रिएक्शन दे रहा है वो खड़ा है, और जब जिस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं वो अगर सामने आ रहा है, तो तब मालूम पड़ जाता है कि